हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं और होप सो कि आपको सारी वीडियोज काफ़ी अच्छी लग रही हो। तो आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आखिर ये टॉपिक है क्या, इसका स्टार्टअप, इसके सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एवरी मॉडर्न बिजनेस हैज टू मेक इट्स वे थ्रू कीन कंपटीशन, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। क्विक चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आल्सो क्रिएट इंपैक्ट अपॉन द बिजनेस चेंज इन पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, आल्सो रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द बिजनेस पॉलिसीज। दज ए मॉडर्न बिजनेस बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। सपोज मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, ओके, एंड ये हमारी कंट्री है इंडिया, ये हमारी कंट्री हो गई, सॉरी, अरे ये पेन पॉइंट आ गया, ओके, तो ये इंडिया है हमारी, चलिए मैंने इंडिया बना लिया, मेरे को मैप इतना अच्छा बनाने नहीं आता। तो ये मैं हूँ, ओके, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरी प्लांट यहाँ पे एस्टेब्लिश है। यहाँ पे मैंने एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखा है यूपी में। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट, न्यू गवर्नमेंट आई, सपोज पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और अब किसकी गवर्नमेंट आ चुकी है, बीजेपी की। तो आप सबको मालूम है जब भी न्यू गवर्नमेंट आती है तो उनकी पॉलिसीज चेंज हो जाते हैं, उसकी पॉलिसीज कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। सपोज मैं पहले एक्सपोर्ट करता था एंड एक्सपोर्ट की पॉलिसीज हर 5 ईयर के बाद, मतलब हर एक 5 साल के बाद चेंज हो जाते हैं, वो हर एक गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग लेके आती है। तो पहले मुझे कुछ बेनिफिट्स मिलते थे, अब न्यू गवर्नमेंट आई, न्यू पॉलिसीज आई और वो बेनिफिट्स मेरे पास से जा चुका है। तो कहीं ना कहीं मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट को उसने चेंज कर दिया। बार बार गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती है। जैसे पहले पुराना लॉ था जहाँ पे एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, GST, ये सारे लॉज लगते थे इनडायरेक्ट टैक्स के, बट अब GST लगता है। तो कहीं ना कहीं GST ने मेरे बिजनेस के लिए कुछ फेवरेबल चीज़ें भी लेके आई होंगी और हो सकता है कुछ नेगेटिव थिंग्स भी लेके आई हो। तो ये भी एक रीज़न है कि गवर्नमेंट के चेंज होने से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, जिसको हम पॉलिटिकल रीजन भी बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स भी करता है। एंड सेकेंड थिंग्स और भी है कि दो जे मॉडर्न बिजनेस बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, जिसके वजह से क्विक चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है। सपोज कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। आपके पास अगर आपकी अर्निंग बढ़ गई तो आपका क्या होगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा। पहले आप नॉर्मल कपड़े पहनते थे, अब आप क्या करोगे, अब आप ब्रांडेड कपड़े परचेज करोगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में चेंज होने का। तो कुछ पुराने कॉन्सेप्ट है जिसको हमने देखा, क्या क्या चीज़ें जो हमारे बिजनेस को कॉम्प्लेक्स करती है और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो एक रिस्क है क्विक चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आल्सो क्रिएट इंपैक्ट अपॉन द बिजनेस, चेंज इन पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री आल्सो रिक्वायर एडजस्टमेंट इन द बिजनेस पॉलिसीज। तो ये सारी चीज़ों को मुझे क्या करना होगा, अपने बिजनेस पॉलिसीज में एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट कैसे करना होगा, मुझे टाइम टू टाइम अपना बिजनेस पॉलिसी चेंज करते रहना होगा एज पर गवर्नमेंट ने जैसे मैं अपनी पॉलिसी को चेंज किया, उसकी पॉलिसी मेरे बिजनेस के ऊपर कितना इफेक्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग मुझे भी अपनी पॉलिसीज को क्या करना पड़ेगा, चेंज करते रहना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है। नेक्स्ट, इन ओल्ड टाइम्स, अगर हम पुराने टाइम की अगर हम बात करें, इन ओल्ड टाइम द बिजनेस कंसर्न वर स्मॉल इन साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपके साथ काफ़ी बार डिस्कस किया। पहले जो बिजनेस होता था वो काफ़ी लोअर लेवल पे होता था, काफ़ी स्मॉल साइज की बिजनेस होती थी, बिकॉज पहले इतना ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं था, लोगों के पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी, तो लोग छोटे लेवल्स पे अपने बिजनेस करते थे। देर वॉज नो कीन कंपटीशन, और मार्केट में कंपटीशन नहीं था पहले, बिकॉज अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मेरे एरिया में कोई और मैन्युफैक्चरर नहीं होता था।
necessity of adjustment in business outlook due to change in social, economic and political outlook was rare, and the owners of the business could maintain personal contact with the business and gather all information relating to business whenever necessary. The present day business is big in size and complex in character and is under keen competition. So information relating to business in details, appropriate management policy on the basis of detailed information and proper execution of such policies can only bring about success. मतलब कहना क्या चाह रहा है कि पहले जो हम बिजनेस करते थे वो काफी एक लोअर लेवल पे बिजनेस होता था, जहाँ पे मार्केट में कंपटीशन नहीं होता था. आज के टाइम में बिजनेस कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से हमें चीजों को एनालिसिस बहुत ज्यादा अच्छे से करना पड़ रहा है. अदरवाइज हम अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, हम कंपटीशन को हम फेस नहीं कर पाएंगे. और कहीं ना कहीं अगर हमारा कंपटीशन को अगर हम फेस नहीं कर पाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में फेल कर जाएगा और जिसकी वजह से हमें बिजनेस लॉस हो जाएगा. तो उसके पीछे रीजन, उसको हम कैसे हम कर सकते हैं, तो हमें अपने यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा, हम चीज़ों को एनालिसिस करेंगे. और यहाँ पे एक और बात की गई है, यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी की बात की गई कैरेक्टर में, क्योंकि बिजनेस बड़ा कैसे हो गया. बिजनेस बड़ा हो गया बिकॉज पहले आप मैन मेड प्रोसेस करते थे, तो आप 500-1000 यूनिट ही बनाते थे. सपोज पहले मैं 500-1000 यूनिट ही बनाता था, बिकॉज पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो कि मैं अपने बिजनेस को क्या कर सकूँ, इंडिया लेवल पे ले जा सकूँ. तो मैं एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर सिटी में ही मैं अपने प्रोडक्ट को मैं बेच पाता था. बट आज के टाइम आप सबको पता है फ्लिपकार्ट आ चुका है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, इसके तरफ और भी बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स के वेबसाइट आ चुके हैं. तो अब मैं अपने प्रोडक्ट को बहुत जगह सेल आउट कर सकता हूँ, विद इन इंडिया सेल आउट कर सकता हूँ, इंडिया से बाहर अब्रॉड भी सेल आउट कर सकता हूँ. तो मार्केट एरिया मेरी बढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी चाहिए. मुझे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी. और सेकेंड थिंग्स, अब देखो मार्केट में क्या होता है, अगर आप, मैं सिर्फ अगर ये मार्कर बना रहा हूँ, ओके, सपोज मेरे पास ये मार्कर है, आप देख सकते हो, अगर मैं ये मार्कर को अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और मेरी बगल वाली कंपनी वो मार्कर को भी मैन्युफैक्चर कर रही है, इसके अलावा ना और भी बहुत सारी इसके वेराइटीज को भी मैन्युफैक्चर कर रही है. जैसे उसके पास इस मार्कर का बहुत सारे वेरियंट है, जैसे रेड कलर है, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, इसके अलावा भी पेन मार्कर बना रही है, और भी बहुत सारे टाइप के मार्कर्स हो सकते हैं जिसकी वो वेराइटीज मार्केट में प्रोड्यूस कर रही है. तो कहीं ना कहीं उसके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होने की वजह से, उसकी मार्केट में प्रोडक्ट ज़्यादा होने की वजह से उसका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, उसके प्रोडक्ट लोग मार्केट में ज़्यादा रेफर करेंगे. बिकॉज अगर मैं जाऊँगा कि भैया मुझे एक पेन मार्कर देना, तो आप बोलोगे ब्लैक, तो उसने मेरा प्रोडक्ट दिखा दिया. अब उसने बोला ग्रीन दिखाओ, तो उसने क्या किया, सामने वाली कंपनी का ग्रीन भी दिखाया, ब्लू भी दिखाया, रेड भी दिखाया, और भी वेरियस कलर थे, उसने सब दिखा दिया. तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी एक इंप्रेशन क्रिएट होगा, यार ये कंपनी तो बहुत सारे पेन बना रही है, तो जरूर इस कंपनी का पेन अच्छा होगा. तो आप क्या करोगे, आप उस पार्टिकुलर कंपनी की तरह डाइवर्ट हो जाओगे. तो इसके वजह से मुझे भी क्या करना होगा, मुझे भी वेरियंट्स लेके आना पड़ेगा मार्केट में कम्पिटिट करने के लिए. एंड ये एक मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेरे जो है और भी बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करना होगा, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होगा, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपेंड करना होगा. और जिससे मैन्युफैक्चर सेक्टर जितना ज़्यादा एक्सपेंड करोगे आप, उतना चीज़ें कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाता है, उतना आपको डाटा फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है. बिकॉज जब आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो आप सारा कॉस्ट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप चार्ज करते हो, लेकिन अब आपने 10 टाइप्स के प्रोडक्ट बनाए. अब आप पेन एक नहीं बना रहे हो, अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइप के आप पेन बना रहे हो. तो आप अपनी फिक्स कॉस्ट जो भी है आपकी जो भी फिक्स कॉस्ट है, अब आप इन सारे प्रोडक्ट के ऊपर आप चार्ज करोगे, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, आपके बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटी लेके आएगी. तो ये एक डिविजन है जो हमने इस कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट बात करें, एज ए सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ ए सिक पर्सन ऑफन रिक्वायर्स वेरियस पैथोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. दी सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ ए मॉडर्न बिजनेस रिक्वायर वेरियस इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रिगार्डिंग द बिजनेस. The traditional financial accounting fails to furnish all information necessary of managing a modern business successfully. Thus, as a branch of financial accounting, cost accounting has evolved and made rapid progress during the last few decades. This branch of accounting, with its developing techniques and procedures, has been rapidly expanding
in the field of its application. In recent years, another aspect of accounting called management accounting has been developed and is being employed in many concerns. देखो हुआ क्या, जब पहले सिर्फ हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम फॉलो करते थे, जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, पहले कॉस्ट अकाउंटिंग तो था नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग था. उसके पीछे रीजन आप सबको पता है, पहले कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं बनाती थी, पहले कंपनीज का कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं था. बट टाइम की वजह से क्या हुआ कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ने से कहीं ना कहीं कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट आना शुरू हुआ. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस चीज़ को सर्टिफाई नहीं कर. अगर आपको किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आप प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस नहीं डिसाइड कर सकते. आपको अगर मालूम करना है ये पेन है, ये मार्कर है, ये पेन है, इस पेन की रॉ मटेरियल कितनी लगी, इसमें लेबर कितना लगा, इसमें ओवरहेड क्या लग रहा है, तो ये आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो. इस पार्टिकुलर पेन के ऊपर जो भी कॉम्पोनेंट आपने यूज किया, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेल हो रहा था बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिसकी वजह से हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप किया. एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने बहुत सारे टेक्निक्स को डेवलप किए, जिस टेक्निक की वजह से हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया, इसमें लगने वाले वेरियस एलिमेंट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया, एंड उसकी कॉस्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. बिकॉज मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 10 है, अगर मार्केट में भी प्रोडक्ट 10 रुपीज का बिक रहा है और मेरी भी कॉस्ट 9 है और सामने वाले की भी कॉस्ट 9 है, तो दोनों लोग सेम प्रॉफिट अर्न करेंगे. तो अगर मुझे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है तो मुझे अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा. तो अब मुझे क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस को मैं 10 रखूंगा, कॉस्ट को मैं 8 करूंगा, जिससे मैं प्रॉफिट 2 रुपीज का अर्न कर पाऊँ. तो कैसे हो सकता है, आपको अपना कॉस्ट अकाउंटिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा, आपको अपने सारे कॉस्ट को फाइंड आउट करना होगा. फिर आप क्या चेक करोगे, कौन सी कॉस्ट आपके ज़्यादा हो रही है, कौन सी कॉस्ट आपके कम हो रही है, जो कॉस्ट ज़्यादा हो रही है उसको आप कम कैसे कर सकते हो, वो सारी चीज़ों को फाइंड आउट अपना शुरू करना शुरू कर दोगे, जिससे क्या होगी आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर पाओगे एंड आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओगे. एंड इसमें एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी इन्वॉल्वमेंट आता है, जो कि हम आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या. तो इस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग का डेवलपमेंट स्टेज था जिससे कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुई. और देखते हैं वेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिमिट्स इस एक्टिविटीज इन डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड ट्रेडिंग की फाइनेंशियल पोजिशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द पीरियड. कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग. मैंने आपको बताया ये क्या करेगा, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो भी आपके खर्चे होंगे ना, इसको इन डिटेल फाइंड आउट करेगा कि यार इस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन से खर्चे कितने हो रहे हैं और आखिर कौन सा खर्चा ज़्यादा हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो सारा आपको एक कंट्रोलिंग के एरिया में मालूम चलेगा. ऑपरेशन विद ए व्यू टू मैक्सिमाइजेशन इफिशेंसी एंड हेंस प्रॉफिट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्स द ड्यूटी ऑफ असिस्टेनिंग द मैनेजमेंट विद इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी इन्वॉल्वमेंट आना शुरू हो गया. बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग ने क्या किया, डाटा को एनालिसिस किया और मैनेजमेंट को दिया. अब क्या करेगा उस मैनेजमेंट, क्या करेगा उस डिटेल से जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आया और जो कॉस्ट अकाउंटिंग से आया, दोनों डिटेल्स को इकट्ठा करेगा और एक कंक्लूजन पे जाएगा जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग को भी यूज करता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी यूज करता है. दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज करके वो अपने डिसीजंस को देता है. कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है प्रोडक्ट के कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, उसमें लगने वाले सारे खर्चों को देखना, उसके वेरिएंसेस को देखना, और वो सारे डिटेल्स वो मैनेजमेंट को देगा. फिर मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास जाएगा और पूछेगा कि हम यहाँ पे क्या क्या काम करें जिससे हम अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं एंड और भी ऐसी सारी चीज़ें करें जिससे हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं. तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट बताएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें कर सकते हो जिससे आप अपने बिजनेस को और डेवलप कर पाओगे. अब the belief of cost accounting developed after rise of factory system a result of industrial revolution in England is not true. Actually एक industrial revolution आया था इंग्लैंड में, तो इनका कहना है कि ये true नहीं है. इससे पहले कि cost accounting develop हो चुका था, कब, some cost accounting principles were found in the application in early 14th century. Some authorities suggest that the present day cost accounting procedure was established at the end of 19th century. However, major development in the subject were noticed during a quarter century before the end of the Second World War. This significance management moved led to the
development of standard costing after 1945, the need for data in planning for further was felt and cost accounting developed further. The technique of cost accounting is a recent development. The cost audit is also emerging as a new branch and developing in the future. अब हुआ क्या, मैं आपको बताऊं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वार के पास काफी सारे कंट्रीज के पास उनके पास से पैसे खत्म हो चुके थे या काफी लिमिटेड पैसे बच चुके थे, काफी लिमिटेड रिसोर्सेज बच चुके थे एंड कहीं ना कहीं उनके पास से वेपन्स भी खत्म हो चुके थे बिकॉज जब वर्ल्ड वार हुआ तो उन्होंने अपने सारे वेपन्स को यूज कर लिया। तो अब उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे और उस लिमिटेड रिसोर्स को किस तरीके से वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए, तो उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप किया एंड उन्होंने प्राइवेट पार्टीज को भी इन्वाइट किया बिकॉज गवर्नमेंट खुद से बहुत कम टाइम में फिर से वेपन्स को डेवलप नहीं कर सकती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट पार्टीज के साथ कॉन्टेक्ट करना शुरू कर दिया एंड प्राइवेट पार्टीज को उन्होंने क्या बोला, प्राइवेट पार्टीज के साथ उन्होंने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का मतलब कि आपकी जितनी कॉस्ट लगेगी एंड प्लस आपकी जो प्रॉफिट होगी आप उसको ऐड कर दो प्रोडक्ट में एंड आप मेरे से आप चार्ज कर लो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जिससे क्या हुआ, अब प्राइवेट पार्टीज को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट भी आइडेंटिफाई करना है तभी तो उसके ऊपर एक सर्टेन प्रॉफिट को एलोकेट कर पाएंगे। तो वहां भी एक रीजन था, वहां से भी कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलपमेंट मिलना शुरू हुआ एंड चीजें डेवलप हुई। तो ये सारा एक रीजन था कि कॉस्ट अकाउंटिंग के डेवलपमेंट का। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको इंटायर एवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्कस कर दिया। होप सो आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो एंड काफी आपको मजा आ रहा होगा इस वीडियो सीरीज को देखने में, काफी चीजें आपको नई मिल रही होगी देखने को एंड होप सो। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।